और आप भी पार्ट टाइम इनकम मेरी तरह अर्न करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, मैं आपको पूरा जानकारी दे दूंगा। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में आपको बताया था, मैंने उसे 4 दिन ट्राई किया, उसीलिए मैंने आज तक कोई भी वीडियो नहीं डाला। तो ट्राई किया, वर्कआउट हो गया, ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, वो मेरा प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहा। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो उस फोटो पे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है रजनी प्रसन्न राहुल कश्यप। तो आज हम बात करेंगे कोल्ड केस इस फिल्म के बारे में। देखिए, ये फिल्म जो है अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ हो चुकी है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं, इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव चीज़ पर बात करते हैं। तो इस फिल्म की सबसे नेगेटिव पॉइंट यह है, इसकी कहानी। देखिए, कहानी ठीक ठाक तो ज़रूर है, लेकिन किसी भी कैरेक्टर के साथ हम बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाते, वही इस फिल्म की नेगेटिव्स हैं। प्लस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस, पृथ्वीराज, उनका काम ज़बरदस्त है। उसके बाद अदिति बालन, जिन्होंने अरवी में लीड रोल का किरदार निभाया था, उनका काम भी इसमें ज़बरदस्त है। एंडिंग का जो आधा घंटा है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बीच बीच में कुछ कुछ सीन्स ऐसे भी होते हैं जहां आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ सीन्स, प्लॉट्स या फिर ट्विस्ट जो आते हैं वो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन फिर भी कहानी के साथ आप नहीं जुड़ पाते, किसी भी कैरेक्टर के साथ आप नहीं जुड़ पाते। एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस कितने भी अच्छे हो, आप एक भी कैरेक्टर के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर नहीं है। कुछ कुछ ऊपर ऊपर जो गोभी हम लेते हैं, गोभी का डिश हम लेते हैं, वहाँ पर जो ऑनियंस होते हैं, थोड़ी थोड़ी टचिंग टॉपिंग्स होता है, कुछ उसी तरह इस फिल्म में कैरेक्टर्स को लिखा गया है। राइटिंग के मामले में ये थोड़ी ढीली हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस फिल्म का जो टीम है, डेब्यू फिल्म है ये, उनका मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि डेब्यू फिल्म में इस तरीके की कहानी रिस्क होती है। इन्होंने खूब अच्छी कोशिश की है, हालांकि आगे जाते जाते आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप इस फिल्म को आप अपने पूरे परिवार के साथ ज़रूर देख सकते हैं, कोई गलोच नहीं है, कोई टेरिफाइंग या फिर हॉरर सीन्स ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत एक्सॉर्सिज्म के सीन्स है, वो तो हम पहले ही कॉन्जरिंग और लास्ट ओवर इन सभी फिल्में या फिर सीरीज में हम पहले ही देख चुके हैं। तो बिना किसी दिक्कत के एक बार तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया रही, बैकग्राउंड म्यूज़िक ठीक ठाक थी, डायलॉग भी अच्छे ही थे। तो ओवरऑल वन टाइम वॉच है मूवी। ज़्यादा उम्मीद ना लेते हुए आप इस फिल्म को देखिए, तब आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो ये थी मेरी रिस्पॉन्स कोल्ड केस के बारे में। मैं इस फिल्म को देता हूँ 3 out of 5। अगर आपने पहले भी ये फिल्म देख रखी है तो आपके एक्सपीरियंस क्या है वो आप हमें नीचे कमेंट में बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। चलिए, मैं चला अगला फिल्म या फिर सीरीज़ देखने। धन्यवाद।